24 में आपका स्वागत है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। दोस्तों आप देखिए पाकिस्तानी कोरोना पे क्या ज्ञान रखते हैं, आप देख के हंसोगे। वो तो आपके मास्क ना लगाने से पता चल गया कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ा है ना। क्या लगाने हैं, ऐसे ही सारी दुनिया ऐसे ही है, ऐसे ही है सब। अरे भाई ये कोरोना है ही नहीं। ये देखिए ये इनका चेहरा पहचान ले नाज़रीन, गौर से देखिए इनको। ये वो है जो कह रहे हैं कि कोरोना है ही नहीं, ठीक है। तो मेरे ऐसे प्यारे भाई और बहने जो समझते कि कोरोना नहीं है, ये आपके साथ ही है। अस्सलाम वालेकुम। ये कोरोना के बाद जिंदगी कोई मुख्तलिफ हुई है, चेंज आया कोई? हमें समझ आई है कि हम बहुत सारे काम जो कोरोना की वजह से करते थे, जी शादियां सादगी से नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकता, सब कुछ हो रहा है। हाँ जी सब कुछ हो रहा है। समझ आई है जिंदगी? नहीं तब्दीली आई नहीं, आई नहीं जिंदगी में, कोई तब्दीली नहीं आई। किसी ने परहेज किया ही नहीं, देखा किसी ने कोई मास्क वगैरह कोई कुछ लगाया? कुछ मेरी बहन ने भी लगाया वाली की बुला रही है। किसी ने कोई मास्क वगैरह लगाया हुआ है? हमारे में बीमारी होएगी तो कोई लगाएगा ना, जब बीमारी है ही नहीं तो किसी ने लगाना ही नहीं है। आंटी भी बिल्कुल ठीक है, आंटी ने पीएचडी की हुई है। हाँ बीमारी है ही नहीं, एक सिर्फ बनाया इमरान खान ने नोट, हाँ इमरान खान ने नोट को मारा है, जब नोट मुक जाएंगे वो बीमारी फिर आ जाएगी। इमरान खान साहब आपका मुकाबला पाकिस्तान? हाँ जी, ये इमरान खान का काम ही यही बन गया, ये गरीब बंदे को मार लिया है, आप उछल लिया है। नहीं तो ये इमरान खान साहब थोड़ी लेकर आया है, ये तो चाइना से चलिए। ये इमरान खान की वजह से आया, जब नवाज शरीफ इधर था ना तो कुछ भी नहीं होया था, नवाज शरीफ ने फिर भी गरीबों पे हाथ रख किया सी, अरे इमरान खान ने तो इंसानों को मार देता ही। नवाज शरीफ की वजह से गरीब कोरोना नहीं था? नहीं इमरान खान साहब की वजह से कोरोना है। डिंगी था तो इमरान ने उन्होंने खत्म किया, डिंगी आगा था ना, ठीक है तो फिर उन्होंने खत्म करा, ठीक है। आप बताए ये गरीब कोरोना है ही नहीं, इमरान खान साहब लेकर आए हैं। कोरोना है क्यों नहीं है, इमरान खान ने लेकर अल्लाह की तरफ से हुआ है, वबा है ना, वबा है। और हर मुल्कों में आपकी इस बात पे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कर लूँ क्योंकि पहला बंदा मिला जिससे ये कह रहे हैं। पहली बात है हमारे मुल्क में तो हम इमरान खान के इल्जाम लगा सकते थे, हर मुल्क में है तो हर मुल्क में हम इमरान खान से कैसे कह सकते। अच्छा मुझे बताए कोरोना के बाद जिंदगी, कोरोना से कुछ सीखा आपने? ये तो 2-3 महीने हम लोग घर में रहे हैं, कुछ सीखा कि हम तो ये भी फलां काम भी करते थे, ये नहीं हो सकता, शादियां बैंड बाजे के बगैर नहीं होंगी, पैसा खर्च किए बगैर सब कुछ हो रहा है, सब कुछ सीखा हमने। हाँ सीखा है। क्या सीखा? चले आप बता दें आपने क्या सीखा है। एक चीज हमने यही सीखा है कि अब सादगी में हर काम होना चाहिए, हाँ। और ज्यादा अपना अंदर ही रहें तो बेहतर है, मेहमानबाजी ना करें, हाँ। किसी का ना जाए, हाँ। तो ये बचत तो खैर हमारी है लेकिन ये गरीब बंदा मान रहा है, ठीक है। चले ये तो वक्ती तौर पे, लेकिन सीखा आपने है कि सादगी पर बिल्कुल बंद हो चुकी है जिंदगी, आपने कहा कि जी सादगी से जिंदगी गुजारनी है ज्यादा बेहतर है, ठीक है। मेरे भाई हमने कोरोना से क्या सीखा, ये तो 2-3 महीने हम लोग रहे हैं। कोरोना हो तो सीखे ना, ना कोई मरीज देखा ना कोई अस्पताल में देखा, एक और आगे बताए ना मरीज हॉस्पिटल में है तो फिर हमें भी सही बात है, इनको लिस्ट दे प्लीज। कोरोना से पहले थे अभी वैसे अल्लाह का शुक्र है हम पे कुछ नहीं। मैं आपकी ज़हनियत की दाद देती हूँ, मतलब कमाल है, ऐसे लोगों को पाकिस्तान की बड़ी, मतलब पाकिस्तान में आने से लोगों की बड़ी जरूरत है। अब हमको हो ना फिर पता चले ना हमारे मोहल्ले में कैसे है नॉर्मल। हाँ सही बात है, सानू होएगा तो पता लगेगा ना, मतलब जाहिर ही बात है ना, यही तो बात है। किसी भी कंट्री में नहीं दिखाया जा रहा कि इतने मरीज हॉस्पिटल में दिखाए। अच्छा, आप सारे चैनल देखते हैं जी? कौन कौन से चैनल देखते हैं? जितने भी है पाकिस्तान के चैनल। नहीं पाकिस्तान के छोड़े बाहर की बात करें, हम अपने चैनल देखेंगे, हमारे तो इधर बंद किए हुए हैं सारे। नहीं हमारे तो वही दिखाएंगे जो हमारे मुल्क में हो रहा है। हाँ जी, तो बाहर की आपने बात की, आपने काफी फॉलो करते होंगे। हाँ जी, वो जो से अब हमने अपने चैनल में देख रहा ना बाहर के हॉस्पिटल में क्या हो रहा है, अमरीका में क्या हो रहा है, बस यही बता रहे हैं कि इतने हो गए। अमरीका में क्या हो रहा है? अमरीका में आप दिखाएंगे तो हमें पता चलेगा ना। नहीं तो हम अपने चीज से निकलेंगे तो अमरीका दिखाएंगे ना, अमरीका तो खुद अपनी चीजों से बाहर नहीं निकला हुआ। वही तो वो भी तो कोरोना हो रहे हैं, हो गए तो इतने हो गए, इधर इतना मेमोरीज भी मिलेंगे दिखाएंगे फिर पता चलेगा। हाँ सही बात है, कोरोना के मरीज सड़कों पे फिरते हुए नजर आने चाहिए ताकि आवाम को पता लगे कोरोना के मरीज है। आगे बढ़ते हैं जनाब, कोरोना की बात जिंदगी चेंज हुई है 2-3 महीने में? वो मुश्किल है, कोई तब्दीली को सीखा, पॉजिटिव चीज भी तो सीखी होगी ना। ये सीखा कि अपने को बचाओ, बस सेफ्टी करो बच्चों को, बच्चों की सेफ्टी करें, सेफ्टी घर से बाहर निकले। आपने मास्क जेब में रखा हुआ है? मास्क ही पहना हुआ है। बच्चों की सेफ्टी की बात ना, बड़ी प्यारी बच्ची है माशाल्लाह, कोरोना वगैरह चाहिए ना, वायरस है ना, वैसे है कोई नहीं है, तो ये भी कह रहे कोरोना है नहीं है, ये बिना वजह वो इशू बनाया गया। हमारा एक पेशेंट है ठीक है, उसको टीके लगाएंगे बेफजूल,
वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं? जो भी कोई हॉस्पिटल जाता है उसको टीके लगाते हैं, यार बीमार है कुछ भी नहीं, उसको बेफजूल उसको टीके लगाए जा रहे हैं। अच्छा मैं ये सोच रही हूँ कि इटली में फिर कितने लोगों को टीके लगाए गए होंगे या अमेरिका में कितने लोगों को टीके लगाए होंगे, कितने टीके लगाए होंगे मेरे भाई कर रहे हैं। मतलब ये देखें, ये अकलमंदी है, ये है पाकिस्तानी हीरा, है हीरा पाकिस्तानी। आगे आ जाए जरा, कोरोना के बाद जिंदगी चेंज हुई है, कोई समझ आई की जिंदगी में बहुत ज्यादा चेंज हो गई है? क्या चेंज हुआ है? एक तब्दीली बताओ। एक तब्दीली बताए, एक तब्दीली ये कि भूख से मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं। इसके अलावा लॉकडाउन की वजह से कोई पॉजिटिव चेंज भी तो सोचा होगा ना? जैसे देखे हम लोग कहते थे शादियां जो है ना वो पैसा खर्च किए बगैर नहीं हो सकती। ना 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 उसके पास अभी भी जिसके पास पैसा है ना तो वो तो है, जो हमारी तरह दिहाड़ीदार बंदा है ना उसके पास पैसा नहीं है। सुकून नहीं आ गया जिंदगी में? थोड़ी सी पता चल गया, बच्चों को वक्त दिया घर बैठे, सुकून। जब बच्चे घर में भूखे रो रहे हो तो सुकून कैसा? अच्छा ये कैमरे की तरफ देखिए जरा, बताएं आपने क्या महसूस किया इन दो महीनों में, कोई चेंज आया हो? दो महीने में बस इमरान खान से यही कहना चाहूंगा, जब तकरीर में आए ना कि 12 अरब डॉलर ये दे दिया, सिर्फ मुस्कुराया ना करे, आपकी मेहरबानी है प्लीज। वजीर आजम से यही कहूंगा कि मुस्कुराना, अगर कुछ देना नहीं है ना तो टीवी पे आके मुस्कुराया भी ना करे। अच्छा वजीर आजम से ये भी अपील कर दे मेरे कहने पे कि वजीर आजम थोड़ा सा तालीम पे भी काम कर ले, शऊर पे, तालीम पे, आवाम की नहीं। बस क्या कहें, बच्चे घर में है, भूखे हैं, दिहाड़ी लगती नहीं है, शऊर है नहीं है वो खैर है। अच्छा अस्सलाम वालेकुम, कोरोना के बाद जिंदगी चेंज हुई है, कोई तब्दीली को पॉजिटिव चेंज आया? नेगेटिव तो बहुत सारे है ना, मतलब चेंज तो बहुत, नेगेटिव तो बहुत सारे चेंज है कि मुआशी हालत खराब हो गई। हम ना अच्छे पहलुओं पे बात करते हैं, हमें घर बैठ के अपनों में गुजारने का वक्त मिला है, और भी बहुत सारी तब्दीलियाँ होंगी महसूस की है। पर ये है कि बच्चे भूखे हैं, हम काम कर रहे हैं, कैसे काम करें हम? हम दिहाड़ीदार बंदे हैं, कभी होता है कुछ कभी नहीं होता, यही है, इसलिए ऐसे काम चल रहा है, ऐसे चल रहा है। तो कोई ऐसी तब्दीली जो आपको लगी हो कि यार ये तो हमें वो कहते ना मौका गनीमत कि हमें ये मिल गया, हमने ये देख लिया, बैठ गए, देखा बच्चों को, कुछ नहीं? नहीं नहीं कुछ भी नहीं है, ठीक है कुछ नहीं, इनकी जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं आई, पर तब्दीली महसूस की आपने? तब्दीली हुई है क्या? वहाँ भूखी मार रही है ये तो, इसके अलावा ही तो पहले भी मर रही थी ना? नहीं अब ज्यादा मार रही है ना, पहले भी मैं आई थी तो लोग ऐसे ही कहते थे, अभी वैसे ही है। आप देखे बाजार लेकिन खुला हुआ, काम बिल्कुल नहीं है, लोगों पर ये रश कुछ नहीं है, ये इन दिनों में ये बाजार का इतना रश होता है कि पैदल गुजरना मुश्किल है। अच्छा आप सुबह से बैठे हो फारिग है, कोरोना भी साथ दे रहे हैं आप? कोरोना भी साथ दे रहे हैं? नहीं हम क्यों देंगे कोरोना, नहीं मतलब वो वायरस है ना, किसी की तरह भी चला जा सकता है। तो घर में बैठने से मरने से वो लोग कहते हैं कि काम करके मरो अच्छी बात है, काम करने के साथ साथ एहतियाती तदाबीर भी तो अपनाए ना, सारा कुछ है। नहीं मुझे लगता है आपको डर नहीं लगता कोरोना? नहीं लगता, एक दफा अल्लाह के सिवा किसी से डर नहीं लगता। हाँ लेकिन अल्लाह कुरान में आपका स्वागत है, प्लीज सब्सक्राइब।